हेलो एवरीवन, सो आप लोग कैसे हैं? सो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं जो कि इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है एज वेल एज इंडियन फॉरेन पॉलिसी से. ओके, सो यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द टर्म पैरा डिप्लोमेसी. सो पैरा डिप्लोमेसी इज समथिंग विच इंडिया इज एक्सेसिवली और वी कैन से फोर्सिबली अप्लाइंग इन दिस राइट नाउ इन द इंडियन फॉरेन पॉलिसी. ओके, तो भारतीय विदेश नीति में आज के वक्त में भारत जो है पैरा डिप्लोमेसी का उपयोग बहुत ज्यादा कर रहा है, और इस शब्द जो है लगातार जब से मोदी गवर्नमेंट शासन में आई है फ्रॉम 2014. ओके, इट वॉज प्रीवियसली ऑल्सो देयर. ओके, पैरा डिप्लोमेसी से नहीं कोई नई चीज है, बट इट बिकेम इट वॉज बेसिकली बीन एग्रेसिवली यूज बाय द करेंट गवर्नमेंट. ओके, द करेंट मोदी गवर्नमेंट, और वी कैन से द करेंट फॉरन पॉलिसी दैट ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ पैरा डिप्लोमेसी. ओके, सो पैरा डिप्लोमेसी को समझाया था मैं कि पैरा डिप्लोमेसी का मतलब क्या होता है. इट इज ऑलमोस्ट लाइक 1.5 टीयर ऑफ जो आपका बेसिकली हम लोग देखते हैं ना ट्रैक, 1.5 ट्रैक डिप्लोमेसी, इट्स ऑलमोस्ट लाइक दैट. एंड स्पेशली वी कैन से 1.5 वाले से ट्रैक टू डिप्लोमेसी बोल सकते हैं, बट एग्जैक्ट टर्म में ओके इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल थिंग्स. ओके, सो पैरा डिप्लोमेसी में बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन है. फॉर एग्जाम्पल, यूजिंग ऑफ एजुकेशनल लीडर, यूजिंग बेसिकली रिलीजियस लीडर्स, ओके, यूजिंग इंडियन डायस्पोरा, ओके, या फिर एनजीओस. सो आप इंटरनेशनल जो इंडियन एनजीओज हैं उनके साथ, जो फॉरेन कंट्रीज हैं उनके साथ कॉपरेशन क्रिएट कीजिए, या फिर जो डायस्पोरा है. फॉर एग्जाम्पल, अलॉट ऑफ इंडियंस आर लिविंग इन अमेरिका, सो दे आर इंडियन डायस्पोरा. ओके, दे आर इंडियन सिटीजन, ओके, दे आर द पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, बट दे आर लिविंग इन अमेरिका, दे आर अर्निंग देयर, दे आर प्रोवाइडिंग टैक्सेस टू द अमेरिकन गवर्नमेंट ऑल्सो. ओके, एंड दैट्स वाई दे हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन देयर, एंड दे हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन द अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, वाले से अमेरिकन गवर्नमेंट. सो what india do basically ki india try to create better relation with the diaspora. okay, so if you remember when modi ji visited the america, he especially went to the to meet the indian community. okay, so by that thing now indian community, the people those who are living in america, the people, the indian people those who are living in america, let's say different countries, they feel more close to the indian government, and that's why whenever it comes to the interest of indian government इन दोज कंट्री दे ट्राई टू प्रोटेक्ट इंडियन इंटरेस्ट. ओके, जैसे कि हम एग्जाम्पल है कि अगर भारत के बारे में अमेरिका में कोई बात चल रही है, तो भारत के जो अमेरिका में रह रहे जो लोग हैं जिसको हम इंडियन डायस्पोरा बोलते हैं, ठीक है, भारतीय लोग जो है वहां पर जो प्रवास कर रहे हैं, भले वहां के नागरिक बन गए बट वो भारतीय ओरिजिन के, तो लगातार डेफिनेटली वो उनकी कैबिनेट्स में भी हैं, वो वहां पे डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, बहुत बड़ा अपने आप में. ओके, बहुत बड़े टैक्सपेयर्स भी हैं, ठीक है, वहां पे अच्छे जॉब्स कर रहे हैं, और साथ साथ यूएस गवर्नमेंट में भी काम कर रहे हैं, ठीक है, ऑब्वियसली बात है. आप देखें यूएस गवर्नमेंट में जो लाइक बीसी आपकी सेक्रेटरीट वगैरह वहां पे भी, सो वहां पे वो लगातार जो है यूएस गवर्नमेंट को पुश करेंगे इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया. सो इट इज अ सर्कुलर वे ऑफ ओके सर्विंग, बिकॉज अगेन every foreign policy is regarding serving the interest of a country. foreign policy ka main objective hota hai ki aapke desh ka national interest serve karna. so india ne direct diplomatic, because diplomatic jab baat hoti hai na ki ek man lijiye hamare foreign minister hai wahan ke foreign minister, but unka cooperation tab acha hoga jab wahan se unke foreign minister ko already dabav ban chuka hoga hamare logo ke dwara. so that is what para diplomacy. so indian government is trying to create a better contact with the people, indian people those who are living in foreign countries, okay, so that they can pressurize the government in those country to work in the interest of India. okay, so ek to wahan benefit ho jata hai, वैसे religious leaders, okay, so multiple religious leaders are going outside India and they are doing pravachans and multiple things. okay, so jab wo wahan jate hain, so they again create a good conscience about the Indian society. bharat ke liye ek acha positivity create karte hain, theek hai, music singers hain aur jis bhi prakar se, okay, so educational leader hai, ngos hain, सो ह्यूमन राइट के लिए कॉपरेशन करना है. फॉर एग्जाम्पल इंडिया में ह्यूमन राइट के लिए कुछ कॉपरेशन करना, सो इंडियन एनजीओज आर कॉपरेटिंग विद ओके किसी फील्ड में. ओके, ह्यूमन राइट, चाइल्ड एजुकेशन, लेट्स अज्यूम कि इंडिया का कोई चाइल्ड एजुकेशन एनजीओ है, इट इज वर्किंग विद सम अमेरिकन और ब्रिटेन बेस्ड चाइल्ड एजुकेशन एनजीओ, सो ऑटोमेटिकली देयर इज अ कॉपरेशन. सो मल्टीपल लेवल पे, ओके, इट्स नॉट जस्ट सिंगल लेवल, मल्टीपल लेवल पे जो है आप इनडायरेक्टली, मतलब होता है ना कान एक ऐसा पकड़ना, एक होता है घुमा के पकड़ना, बस तो बस वही बात है कि घुमा के इंटरेस्ट इंडिया का सर्व करना, एंड दैट्स व्हाट वी आर डूइंग एज अ पैरा डिप्लोमेसी. ठीक है, चलिए, तो आई गेस नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ पैरा डिप्लोमेसी, द प्रैक्टिस ऑफ पैरा डिप्लोमेसी इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. एंड बिफोर एंडिंग दिस क्लास आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेल यू वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि मेरे पास एक क्वेश्चन आया था किसी स्टूडेंट का कि सर व्हाट इज पिंग पोंग डिप्लोमेसी. ठीक है, पिंग पोंग डिप्लोमेसी एक वर्ड है जो कि काफी फेमस है. सो एक्चुअली व्हाट हैपेंड इन 1971 के आसपास की बात है, एंड दैट पीरियड ऑफ टाइम द यूएस एंड चाइना रिलेशंस आर नॉट दैट फाइन. ओके, सो 71 के आसपास, मतलब 1970s की अगर हम बात करें, तो अमेरिका और चाइना के रिलेशन अच्छे नहीं थे उस समय. लाइक डिप्लोमेटिक रिलेशन बहुत अच्छे बिल्ड नहीं थे, बिकॉज इनिशियली यूएस हैज अ पॉलिसी ऑफ
कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म। यूएस का पॉलिसी था कि भाई हम समाज साम्यवाद को रोकना चाहते हैं, और चाइना में साम्यवाद आया था, तो सीधी बात है उनका रिश्ते अच्छे नहीं थे और डिप्लोमेटिक रिलेशन बिल्डअप नहीं हो पाए थे। सो दैट्स वाई टू क्रिएट बेटर रिलेशन विद बिटवीन यूएस एंड चाइना पिंग पोंग डिप्लोमेसी यूज। अब पिंग पोंग डिप्लोमेसी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। यहाँ पे जापान में होता क्या है, गेम्स होते हैं जहां पे टेनिस गेम्स होते हैं, ठीक है, टेबल टेनिस आपने सुना होगा। तो टेबल टेनिस में जो है वहां पे चाइना वर्सेस यूएस के जो दो प्लेयर थे उनके थ्रू जब मैचेस स्टार्ट हुए, सो पीपल स्टार्टेड इंटरेक्टिंग ईच अदर। ओके, सो वहां से एक जो है ना आइस ब्रेकिंग, ठीक है, कभी भी आप है ना किसी व्यक्ति से नई बात स्टार्ट करें तो कुछ आइस ब्रेकर होना चाहिए कि यार चलो किसी गेम के बहाने बात करेंगे, और फिर बात होना स्टार्ट होती है तो फर्दर वो इट यू डेवलप द रिलेशन। ओके, सो वो जो पिंग पोंग डिप्लोमेसी है वो बेसिकली फिर वो रेगुलर बेसिस पर मैच होते रहे, चाइना वर्सेज यूएसए, वो जो टेबल टेनिस के मैचेस हुए उसके थ्रू जो है लगातार जो कॉपरेशन है, डिप्लोमेटिक रिलेशन है बिटवीन यूएस एंड चाइना, इट फर्दर डेवलप्ड। ओके, सो दैट्स व्हाट वी कॉल्ड पिंग पोंग डिप्लोमेसी। ओके, तो एक गेम था, ठीक है, जिसको हम टेबल टेनिस जानते हैं, आप लोगों ने खेला भी होगा। सो उस टेबल टेनिस गेम से जो है वो वर्ड निकल के आता है पिंग पोंग डिप्लोमेसी, जो कि चाइना एंड यूएसए के बीच में हुआ था, ठीक है। सो ये था आज का ये वीडियो, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन जानने को मिली होगी। सो क्लास को लीव करने से पहले लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी भेजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म को, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको रेगुलर बेसिस पर मैं प्रोवाइड करवाते रहूंगा, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू।